दो फैमिली के लिए अगर आप कुछ डिज़ाइन करने का सोच रहे हैं तो यहाँ पर हम इसका डिज़ाइन किया है। यहाँ पर गेट, ओके, स्टेयर इधर आप, एंड आप चाहे तो यहाँ पर देखिए डोर ऐसे रूम के अंदर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर डोर, नेक्स्ट यहाँ पर डोर, नेक्स्ट इधर डोर, टोटल 4 बेडरूम एक एक फ्लैट के अंदर, 2 बेडरूम, इसके साथ किचन टाइम टॉयलेट, इधर T1, नेक्स्ट इधर डोर, नेक्स्ट इधर डोर, ओके। इसे कंप्लीट करने के बाद हमें यहाँ पर ड्राइंग के अंदर ऐड करना है ऐसे वॉल, इधर पार्टीशन वॉल, इधर ऐसे विंडो, ओके। उसके बाद यहाँ पर पार्टीशन वॉल, नेक्स्ट यहाँ पर विंडो, यहाँ पर पार्टीशन, इसके अंदर वेंटिलेटर, उसके बाद इधर बस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक दो फ्लैट के अंदर पार्टीशन वॉल, यहाँ पर पार्टीशन वॉल, इधर पार्टीशन वॉल ऐसे रहेगा, नेक्स्ट यहाँ पर पार्टीशन वॉल, ओके। इसके बाद यहाँ पर वॉल 125 mm का, यहाँ पर वॉल, वॉल के अंदर विंडो, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पर पार्टीशन वॉल। तो ऐसे हम यहाँ पर डिज़ाइन फर्स्ट स्टेप यहाँ पर रेडी कर दिया है। उसके बाद सेकंड जो स्टेप है यहाँ पर ऐसे विंडो वेंटिलेटर यहाँ पर हम ऐड करेंगे ऐसे यहाँ पर, नेक्स्ट इधर इधर इधर, उसके बाद देखिए यहाँ पर इधर, तो इधर से जब स्टेयर ऊपर की तरफ जाएगा तो आपको यहाँ पर जो इधर से हमें डॉटेड ऐसे यहाँ पर और भी एक स्टेप दिखाई देगा, तो यहाँ पर मेन गेट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसके अंदर कॉलम भी ऐड करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमें कॉलम चाहिए, नेक्स्ट इधर, और यहाँ पर जब आ गए तो इधर चाहिए। तो ऐसे करके हमने यहाँ पर कॉलम रेडी कर दिया है। इसके बाद डिटेल्स ऐड करेंगे, डिटेल्स में क्या है एक बार देख लीजिए, डिटेल्स जो आएगा यहाँ पर हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे, ठीक है। तो एंट्री करने के बाद यहाँ पर लॉबी एरिया, यहाँ पर फ्लैट 1, फ्लैट 2, यहाँ पर डोर, यहाँ पर किचन प्लस डाइनिंग, ओके, यहाँ पर बेडरूम, यहाँ पर बाथ प्लस WC, यहाँ पर ओपन एरिया, तो यहाँ पर ओपन स्पेस, यहाँ पर बेडरूम, सेम बेडरूम इधर, नेक्स्ट बेडरूम, यहाँ पर किचन प्लस डाइनिंग, यहाँ पर बाथ प्लस WC, ओके। चलिए मेजरमेंट ऐड करके दिखाते हैं, यहाँ पर 12 फीट, यहाँ पर 10 फीट 6 इंच, 10 फीट 6 इंच, 5 फीट,
यहाँ पर 5 फीट 10 फीट 6 इंच। ओके, उसके बाद यहाँ पर 12 फीट 0 इंच 10 फीट 6 इंच, यहाँ पर 12 फीट 0 इंच, उसके बाद यहाँ पर 13 फीट 2 इंच एंड 10 फीट 0 इंच, 10 फीट 0 इंच एंड 13 फीट 2 इंच। किचन यहाँ पर 9 फीट 10 इंच एंड 13 फीट 2 इंच। नेक्स्ट यहाँ पर 13 फीट 2 इंच। ओके, यहाँ पर 5 फीट 10 इंच 5 फीट 10 इंच ऐसे रहेगा। उसके बाद यहाँ पर 3 फीट 3 फीट। टोटल यहाँ पर लेंथ 8 फीट 0 इंच टोटल वाइड। ओके, और यहाँ पर जितना आपको यहाँ पर देखिए जितना आपको वही यहाँ पर विंडो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर येलो कलर वेंटिलेटर यहाँ पर विंडो, आप चाहे तो इसको इस्तेमाल कर सकते, नहीं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं विंडो पोजीशन। ठीक है, आपके हिसाब से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए उसके बाद हम दिखाते हैं इसका जो पार्ट है यहाँ पर, देखिए टोटल जो मेजरमेंट यहाँ पर 32 फीट 0 इंच एंड इधर जो मेजरमेंट यहाँ पर 36 फीट 0 इंच। तो हमारा जो एक्चुअल डिज़ाइन आएगा 36 बाई 32 फीट का 1152 स्क्वायर फीट का हाउस डिज़ाइन। तो बेड 1, 2, 3 एंड 4, दो फैमिली यहाँ पर, फैमिली 1 एंड फैमिली 2। तो स्क्वायर फीट कितना आएगा देखिए, यहाँ पर आप इसको डिवाइड कर दीजिए 576 स्क्वायर फीट। ओके, यहाँ पर आएगा ऐसे। तो यहाँ पर फ्लैट 1 एंड फ्लैट 2 ऐसे जाएगा। तो इसके इस डिज़ाइन के अंदर आपका अगर कुछ भी चेंज और ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। टोटल जो कॉस्ट आएगा यहाँ पर 20 लाख रुपीज़। ओके, तो यही था प्लान डिज़ाइन। आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।